हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये उन दिनों की बात है जब हम गर्म कपड़े और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहना करते थे, सर्दियों में धूप में बैठा करते थे और अच्छी अच्छी सब्जियां या अलग अलग चीज़ें हम रोज़ पसंद किया करते, क्योंकि सर्दियों की बात ही कुछ और होती है। तो गाइज़, ये वॉइस ओवर करके और आपसे ये वीडियो को शेयर करने से पहले मैं यही बताना चाह रही थी कि ना, सर्दियों में मेरी काफ़ी सारी वीडियो मैंने शूट कर ली थी लेकिन आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो क्योंकि मैं डेली ब्लॉग नहीं आपके साथ शेयर करती थी तो काफ़ी सारी इकट्ठा हो गई थी। तो सर्दियों में यस, मैंने वेजीज वाली कढ़ी बनाई थी, तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप ज़रूर आप मेरी वीडियो को एंजॉय करना गाइस। तो देखिए, यहाँ पे मैं कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं, सबको कट कर लिया है और काफ़ी सारी सब्जियों के साथ मैं आज कढ़ी बना रही हूँ। तो गाइज़, ये ऐसे ही होता था, काफ़ी सारी वीडियो थी तो शेयर करने से पहले मैं सोच रही थी आपके साथ करूं या नहीं करूं, पता नहीं आपको कैसा लगेगा, लेकिन ये मेरी बहुत सारी वीडियो शूट हुई तो आप इनको एंजॉय करना और मैं फिर कोशिश करूंगी कि लेटेस्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं। लाइट सी और थोड़ा सा धनिया, पानी रख लेंगे, थोड़ा पानी डाल लेंगे ताकि अच्छे से। पहले इसमें बहुत अच्छा अलग से भी कुछ लोग ना अलग से तड़का मारते हैं बाद में, लाल मिर्ची वाला, अब वो मुझे थोड़ा ध्यान ही थोड़ी सी ज़्यादा ही है। और यहाँ पे है मेथी दाना, तो हींग डाल देते हैं और साथ में मेथी दाना। हेलो शिवांश, शिवांश भी आ गया है और ये हो गया हमारा हल्का। और मिर्ची के साथ ही लहसुन को डाल देंगे। तो यहाँ हमारी प्याज पक गई है, बस थोड़ा सा भून लेंगे प्याज का भूंगी में, टमाटर देसी टमाटर लेंगे और टमाटर के साथ ही हम डाल देंगे सारे, इसमें भी थोड़े मसाले लेंगे। थोड़ी काली मिर्च डाल दी है मैंने, मुझे बहुत पसंद है सर्दी और भी थोड़ा हरा दी है, इसी में डालेंगे हम। पहले और इसमें जो आलू कटिंग करके रखे हैं उनको भी डाल देंगे और यह मटर और अभी सब्जियाँ डाल के नमक हम चढ़ा देंगे। तो नमक यहाँ पे डाल देते हैं ताकि सब ये सारी भाजी है इस सब में नमक अच्छे से बैठ जाए। जब मैं इसमें कढ़ी का जो मैंने घोल बना के रखा है इसमें डालूंगी ना, तो लेकिन ये पकना बहुत जरूरी है, हम भूख देंगे जल्दी से पक जाएगा। ठीक है, ये भी हमने घोल के रख लिया है अच्छे से, ये बेसन ये हो गए हैं मेरे, मैं देख लेती हूँ एक बार चेक करके, लगता है भूल जाएंगे। कढ़ी का इसमें डाल देंगे, उबलना शुरू होगा ना जैसे कभी और बहुत गाढ़ा हो जाएगा, तो इसको हमें यही देखना होगा कि आपको किसी को गाढ़ी खाना पसंद होता है किसी को, क्योंकि ये सारी सब्जियां है ना इसमें, और ये पकने के बाद क्योंकि कढ़ी जितनी पकेगी इतनी टेस्टी लगती है, तो बहुत ज़्यादा पकानी है मुझे। तो ये अभी मैं इसको तेज़ फ्लेम कर लेती हूँ जल्दी से ताकि इसमें बोलिए। मैं क्या करती हूँ ना फ्रेंड, जब मैं ये वाला काम करती हूँ तो इसके साथ साथ मैं कोई दूसरा काम भी कर लेती हूँ बीच बीच में, इसको बीच बीच में नहीं वैसे तो उसको कंटिन्यू यहाँ पे चलाना चाहिए। तो अभी तो क्योंकि मैंने फ़ोन को तो इस्तेमाल किया हुआ, वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, लेकिन जब मेरा मैं नहीं बना रही होती हूँ मतलब वीडियो हमेशा तो नहीं बन रही होती है, तो मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ होती हैं या स्पिरिचुअल या फिर मैं इस तरह की वीडियो ऐसे टाइम को हम यूज़ कर लेते हैं और बहुत पसंद है मुझे ऐसी वीडियोस देखना, क्योंकि हम ब्लॉगिंग या फिर किसी और की देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो इस ऐसी जल्दीबाजी में तो नहीं देखी जाती है वो काम करते हुए, क्योंकि मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है, देखो मेरी जितनी भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी दीदी हैं, सिस्टर्स हैं कुछ, तो क्या है ना मैं
मतलब मुझे एक पहले मुझे जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिलता है मैं उनके जाके मैं देख लेती हूँ वीडियो, क्योंकि देखो सबका घर में भी काफ़ी सारे काम होता है, बच्चे का होमवर्क भी है, उसको छोड़ना ट्यूशन के लिए ले जाना आना और काफ़ी ज़िम्मेदारी होती है घर की, आप समझ ही सकते हो। तो टाइम नहीं मिल पाता है कि सबकी वीडियो देखे, तो लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जाके देखती हूँ और लाइक करती हूँ और कमेंट भी करती हूँ, आप सब ने देखा ही होगा। तो यस फ्रेंड, ये नहीं है कि मैं देखती हूँ तो मुझे सबका ये रिस्पॉन्स चाहिए, लेकिन मैं ये कोशिश कर रही हूँ और काफ़ी देखो टाइम लगता है हर चीज़ में, एडिटिंग वीडियोस को अपलोड करना और कटिंग करना, यस तो थोड़ी मेहनत तो होती है और मेरा शौक भी, आप सबका सपोर्ट भी चाहिए। सो फ्रेंड, यही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आप देखते हैं आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें प्लीज़। तो देखो जब तक हमारी कड़ी, देखो धीरे धीरे इसमें प्लीज़ मतलब वॉइल आने वाला है, ऊपर से आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि ना यहाँ पे पीछे जाल है और आंटी उनके बच्चे हैं तो वो किचन भी जस्ट उनके ऊपर है तो वहाँ से ज़रूर साउंड आ रहा होगा पीछे। और ये मेरा पीछे आ गया है मेरा कुकड़ू, और मेरे कुकड़ू ने देखो मेरी टोपी लगाई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे कुकड़ू ने मामा ये आपकी टोपी कितनी गर्म है। तो इसको और अभी ये जितना पकेगी इतनी गाढ़ी होगी, देखना फ्रेंड। फिर देखो ये सारी सब्जियों के साथ जब उसको गर्म गर्म खाएंगे ना, रियली बहुत टेस्टी लगती है। आपको भी ऐसी वेजी कढ़ी बना के देखना सारी वेजिटेबल के साथ, ट्राई जरूर करना। मैंने आटा लगा के रखा है यहाँ पर, ढक के धर दिया था इसको, भूल गई है लेकिन को वेट नहीं हो रहा है बच्चे को, ले जाते हैं रोटी लगा लेते हैं घी। हेलो बेटा, चावल बना लेंगे तो इसको मैं कड़ी रोटी खा लेती हूँ। ये देखिए क्या पूजा करना है, पापा पूजा करना है, पापा भी थोड़ा ध्यान कर रहे हैं। और शिवांश को हम देते हैं, शिवांश देगा फीडबैक। ये लो धुआं खा लो, सब वो धुआं ही खिला रहा है। ये लो धुआं, ये लो धुआं, ये लो धुआं। बदमाशी कर रहे हो तो बताना कैसी लगी कड़ी, थोड़ी गर्म। देखो पूरी अब पूरी गरम गरम थी, पूरी धुआं सी गरम दाल करो। ये लो अब शिवांश देगा फीडबैक। इधर नाच दिखाई नहीं दिया, नाच दिखाई नहीं दिया, यहाँ पे यहाँ पे। चलो कर बोलो, कड़ी अच्छी लगी तो लेकिन मैं सही करना चाहिए करना। थैंक यू और संडे तो कर रहे, ओके बाय तब तक रे, बाय 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 बाय। पता है फ्रेंड्स क्या हुआ अभी, पर मुझे बहुत दुख हो रहा है। शिवान ना एकदम सुस्त सा महसूस हो रहा था और मैं उसे समझ ही नहीं पा रही थी। वो कितनी बार ऐसे हम कर देते हैं ना बच्चों के साथ, किससे स्ट्रिक्टली लेते हैं अगर वो सुन नहीं रहा तो। बेटा पढ़ 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 लिखो, और वो एकदम से लेट रहा है। मैं कि लेट के नहीं लिखते बेटा, सीधी कमा करके बैठ के लिखो, बैठ ही नहीं रहा है वो। मैंने उसको डांट दिया फिर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना शिवान सो गया था पढ़ते पढ़ते।